स्वागत है आपका मेरे चैनल आदि फिटनेस में। दोस्तों आज का हमारा जो वर्कआउट है वो होने वाला सिम्पिन के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं जो आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं, जो आर्मी के लिए रनिंग करते हैं, उनको सिम्पिन काफ़ी ज़्यादा होता है। सिम्पिन होने का कारण है बॉडी वेट सबसे ज़्यादा होना और कम टाइम में आप स्पीड से जो रनिंग करते हैं उसके कारण आपको सिम्पिन होता है। सिम्पिन होता क्या है? सिम्पिन आपको इस हड्डी के ऊपर होता है। अब जब बॉडी आपका ज़्यादा वेट रहता है और जब आप तेज़ी से रनिंग करते हैं, जब यहाँ प्रेशर आता है तब जाके आपको यहाँ पे दर्द होता है, उसी को हम सिम्पिन कहते हैं। अब सिम्पिन की एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ आज। सिम्पिन और काफ के लिए एक्सरसाइज हम बताएंगे और वो एक्सरसाइज आप कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा उसके लिए। तो चलिए करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। दोस्तों सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज आपको लगाना है पंजे के ऊपर, आपको रन करना है धीरे धीरे, आपको अप होके रन करना है। देखिए आपको कैसे करना है, चलिए स्टार्ट। स्लो करना है पंजे के ऊपर, आपको पूरी बॉडी आपको स्ट्रेच होना चाहिए। इसके अंदर आपका काफ और आपका सिन पेन जो होता है उसके लिए काफी बेस्ट एक्सरसाइज है। दोस्तों ये एक्सरसाइज मिनिमम आपको 1 मिनट या 2 मिनट कंटिन्यू आपको करना है। आप देखते हैं इसको आप रन करके कर सकते हैं, साथ में अगर आप नहीं कर सकते खड़े रहकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कैसे करना है स्टार्ट करते हैं। आप अगर दो लोग हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट लेके एक्सरसाइज करते हैं, अगर सिंगल है तो आप किसी चीज़ का सपोर्ट लेके एक्सरसाइज करें। ऊपर आके आपको होल्ड रखना है, देन स्लो स्लो आपको एक्सरसाइज लगाना है। दोस्तों अभी फर्स्ट एक्सरसाइज आपने पंजे के ऊपर लगाई थी, अब सेकंड एक्सरसाइज आपको हिल के ऊपर एडी के ऊपर लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको लगाना है। स्लो 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 एक्सरसाइज आपको लगाना है ताकि एक्सरसाइज का अच्छे से आपको लाभ मिले और आपका सिम्पेन और काफ रिलीफ हो। टर्न काफ और सिम्पेन दोनों के लिए काफी बेस्ट एक्सरसाइज है। हिल के ऊपर और आपके टो के ऊपर, आपके पंजे के ऊपर एक्सरसाइज आपको लगाना है। फुल दोस्तों थर्ड एक्सरसाइज है आपको काफ को रिलीव करना है। तो कैसे करना है चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको प्रेशर 30 से 40 सेकंड एक जगह होल्ड करके रखना है। चेंज तो आपके ऊपर पूरा प्रेशर फील होना चाहिए। तीस से 40 सेकंड एक जगह आपको एक पैर को होल्ड रख के रखना है। ऐसे दोनों पैर को एक्सरसाइज आपको करना है। कूल दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज है, आप चलो बेटा लास्ट एक्सरसाइज है। आप जब रनिंग आपकी फिनिश होती है उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है, आपको अपने फ्रेंड का दोस्त का सपोर्ट लेना है। दोनों पैरों को स्ट्रेट रखना है, अंदर की साइड पुश करना है, जितना हो सके पुश करना है। देन आप जहाँ पे हो होल्ड रख के आपको 30 से 40 सेकंड होल्ड, काफ़ी बेस्ट एक्सरसाइज है सिम्पिन के लिए। क्यों हिमांशु सर होता है रिलीफ इससे? तो यहाँ पे ऐसा है पूरा मिल रहा आराम? यस सर। कूल राइट
तो दोस्तों ये वर्कआउट हमने बताया, आप इसे कीजिए, ये काफ़ी बेस्ट एक्सरसाइज है, आप कीजिए, कहीं पे भी आप कर सकते हैं, घर पे रहके भी कर सकते हैं, ग्राउंड पे भी कर सकते हैं, हो सके तो आप बर्फ़ से अपने पैरों के पहले सिकाई कीजिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज आप कीजिए, काफ़ी लाभ मिलेगा आपको और आपका सिन पेन धीरे धीरे कम होने लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।